प्रचार लगातार तेज पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि एनडीए 400 सीट पार कर रहा है। एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। दो चरणों के चुनाव के बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने रखा है 2024 के चुनाव के लिए 400 पार, तो उस लक्ष्य की ओर भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ रही है। और उन्होंने दावा किया कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी। एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। अभी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं। इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट सेंटर में बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर बनी। कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और उनके सहयोगी दलों के लोग भी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।